हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। आज हम रीट 2017 का ओल्ड पेपर देखेंगे, जिसका एग्जाम फरवरी 2018 में हुआ था। हमने इसके दो पार्ट पिछले वीडियो में देखे थे, अगर वो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट लैंग्वेज, सेकेंड का संस्कृत का देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और इसके ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ए हो सकता है, बट इसमें बोनस मिला है। तो चौथा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है और इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नीचे अपठित गद्यांश है, उसमें प्रश्न 6 से 10 तक के क्वेश्चन है। तो इसमें छठा क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश देख लो एक बार। और इसमें अब छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है, बी, सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नवा क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दसवा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ये बी, ये सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये अपठित पद्यांश है और इसमें 11 से 15 तक के क्वेश्चन है। तो ये गद्यांश है पूरा और इसमें अब शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ये बी, सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी एंड डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन है और इसका पहला ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी एंड डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी एंड डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
20वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी एंड डी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी एंड डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब 22वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है और फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां क्वेश्चन है, और इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट ऑप्शन है रोचकता, सेकंड ऑप्शन है सोउद्देश्यता, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्वोक्ता त्रय अपि, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।